इस बार याद कर दिया कि सुपा पर गए चली गए लगा फेरिया में हवाएगा कैसे कार सियारा इतना थका तो पहले वहां घर से कर फोटो करती है जीत गई है टीम दादूपुर सर्विस 11 और अपने अगले राउंड में प्रवेश किया है। इस बार बिल्कुल सीधा स्टंप से बॉल टकराई थी और विकेट का पतन होता हुआ दोपहिया वाहन घर से जब भी लेकर निकले हेलमेट लगाना ना भूले क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी भारत सरकार द्वारा बहुत बेजारी। तो एक बार पुनः सीआरआई पर क्रिकेट प्रतियोगिता में आए हुए सभी टीमों का टीम के सभी कैप्टन कोच खिलाड़ियों का दो तरह से आए हुए स्टेडियम के चारों तरफ उपस्थित सभी सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का अतिथि कक्ष में उपस्थित सभी सीनियर दर्शक का म्यूजिक डायरेक्टर स्कोरर कमेंटेटर एवं स्टेडियम के बाहर लगी सभी दुकानदारों का मैं जीतू वर्मा काल का धाम एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूँ। और पहला भाव को हर गेंद पर 4 रन से ज्यादा बनाने हुए बल्लेबाज का नाम जाना चाहेंगे शिवम। ओके धन्यवाद शिवम आए हैं बिल्कुल स्ट्राइक पर है शिवम देखना होगा यहाँ से काफी जिम्मेदारी है शिवम के कंधे पर। इस बार गेंद बॉडी लाइन से टकराई बिल्कुल रवि कमाल की गेंदबाजी करते हुए चौरा एंड फोर से और बात करें तो बिल्कुल बदलापुर के कैप्टन मोनू ने पहले ही कहा था कि तकरीबन 10 ओवर में तकरीबन 120 से 125 के आसपास हमारा स्कोर होना चाहिए और वही हुआ 125 रन जीत के लिए 126 रनों की दरकार और इस समय स्थिति है 39 रन कर चुके हैं 5 विकेट गिर चुके हैं 7वां ओवर के चंद गेंदे शेष खेलने के लिए बिल्कुल बल्लेबाज सिंह तैयार चौरा छोड़ से इस बार लगातार लॉक करने का प्रयास है प्रेशर निश्चित तौर पर दिखता हुआ उस समय दयालमोहन प्रतापगढ़ टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय दयालमोहन प्रतापगढ़ टीम का 39 रन और अब यहां से मात्र 3 ओवर का खेल शेष यानी कि 18 गेंदे शेष है और देखना होगा आगे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं हाइपी और सीएम वक्त बताएगा। तो पहला बॉल की टीम इस समय थोड़ा सा टाइट पर निश्चित तौर पर संकट के बाद मंगा रहे हैं। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कहीं से भी कोई कभी भी पलड़ा भारी हो सकता है किसी भी टीम का लेकिन इस समय बात करें तो 70 सनी है जी हाँ सनी गेंदबाज है अपने कोटे का पहला ओवर संभवता जो मैच अगर बदलापुर जीतती है तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और इसी बीच लाभ कर दिया डेप मिड विकेट एरिया में हवाई रास्ते से एक और सीआरआई पंप थका तो जाते जाते सभी दर्शकों को जैसे कि आसन देख रहे हैं कि काफी दर्शक प्रस्थान कर रहे हैं। दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश की है बांदीपुर और बदलापुर अगर मैच जीतती है बदलापुर तो निश्चित ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। जिन 6 टीमों का क्वार्टर फाइनल होना है 6 तारीख को खोला जाएगा उसमें है लकी 11 अमहत लालजी 11 भयारा ककरहा अकरम और ककवा अमेठी ये 6 तारीख को मैच खेले जाएंगे तो उनके बाद उन सबका चिट्ठी गुट्टी डाली जाएगी इन लोगों में जिनका जिससे मैच पड़ेगा उसको खेलना पड़ेगा उसके बाद दो एक 6 तारीख को एक क्वार्टर और एक सेमी खेला जाएगा और 7 तारीख को एक सेमी और एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो एटी में है। इसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय दयालमोहन प्रतापगढ़ टीम का 48 रन बिल्कुल संघर्ष करते हुए इस समय दयालमोहन प्रतापगढ़ की टीम
तो अब यहां से मात्र दो ओवर का खेल शेष है। और जाते जाते सभी दर्शकों को बता दें कि बिल्कुल सीआरआई पंत क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 तो हम चलती हुई पहला बाउट प्रतापगढ़ बदलापुर के बीच मुकाबला नया ओवर प्रगति पर इसी चलाव कर दिया है। डी पॉइंट और डी थर्ड के बीचों बीच गेंद चली गई सीधा रेखा के बाहर, एक तप्पे के साथ सीधा रेखा के बाहर गेंद चली गई चार रनों के लिए। भी खेले गए जाएंगे आप जब घर पे जाते हैं तो निश्चित तौर पर जब बिस्तर पे होते हैं तो मोबाइल को हाथ में ले लीजिए मेरे दोस्त, और यूट्यूब चैनल पर आप जाएं अनिल ओझा से सर्च करें, आपको सीआरआई पंत क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के सारे मुकाबले आपको देखने। कल के मैच के बारे में आपको बता दूं, जो कल मैच खेले जाएंगे वो मैच खेला जाएगा थाना को है की जो टीम है और टीचर्स इलेवन की जो टीम है और एक टीम है थानांतु की और एक टीम है भाजपा पार्टी या मोर्चा की, तो इसमें से दो मैच होंगे। उसके बाद इसमें दोनों में से जो जो टीम जीतेगी उसका फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, तो जिससे उस टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं है जो खेले जा रहे हैं। तो कल एक टीम थाना भौर थाना अंतो और टीचर्स इलेवन और भाजपा पार्टी या मोर्चा के दो मैच होंगे, दोनों में से जो जीतेंगे उनका फाइनल मुकाबला कल होगा। बहुत कहते जो मैच को खेले जाएंगे दर्शकों से मैं चाहूंगा कि क्या सेमीफाइनल में प्रवेश किया है अचंबे बदलापुर और दांदोपुर दोनों ने सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। चार टीमें बची हैं, उसमें है लकी इलेवन अमहद इलेवन गलवारा ककराहा अकरन और ककड़ा अमेठी, चार टीमों से चिट्ठी गुट्टी डाली जाएगी। इसमें से दो मैच होंगे, दो टीमें इसमें से जीतेंगी उनका सेमीफाइनल जो मुकाबला है दांदोपुर बदलापुर उसमें फिर चिट्ठी गुट्टी पड़ेगी, जिसका जिससे मैच पड़ेगा उसको खेलना पड़ेगा। एक क्वार्टर और एक सेमीफाइनल 6 तारीख को खेला जाएगा और एक सेमीफाइनल और फाइनल 7 तारीख को खेला जाएगा। ओके बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर पहला बॉल प्रतापगढ़ टीम का स्कोर है इस समय 14 रन के बाद। रवि इस बीच अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं रवि, और शानदार साथ खेला गया, पहले पहुंच चुकी है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक अंतिम बॉल नहीं हो जाती। और इस बीच निश्चित तौर पर मेरा ऑफ एरिया में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया, तो एक और विकेट का पतन होता हुआ तो आप विकेट का पतन होता हुआ कुछ ही लोगों पारी की शेष है ला लिया है अपनी हार स्वीकार की, तो मैच बदलापुर ने जीत लिया है और कैप्टन मोनो ने फिर एक बार अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले जाकर के पहुंचाया है, सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, बदलापुर और दांदोपुर, कल दो मैच होंगे।